वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस क्लास में हम बात करेंगे आपके जीपीएफ रूल्स के बारे में। तो जीपीएफ किसके अंडर आता है? आपका प्रोविडेंट फंड्स के अंडर आता है। डिफरेंट टाइप होते हैं प्रोविडेंट फंड के, लेकिन एज पर सिलेबस, जो नेटर का सिलेबस है, उसमें आपका जीपीएफ रूल्स का मिलता है आपको एज पर सिलेबस। तो जीपीएफ होता क्या है? जीपीएफ होता है आपका जनरल प्रोविडेंट फंड। अच्छा, करना क्या है इस टॉपिक को, या जो हम आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं एसओ ग्रेड टू एग्जाम की, जो आपका अपकमिंग डेज में आपको देखने को मिलेगा, इस एग्जाम के लिए हम क्या करेंगे? सारे के सारे जो टॉपिक हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको कवर करेंगे। और होपफुली क्वेश्चंस करने के बाद आपका थ्योरेटिकल पोर्शन भी मजबूत होगा। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है एज ए प्लस मेंबर, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं प्लस मेंबर। टेलीग्राम चैनल हमारा अवेलेबल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो स्पेशली एसओ एग्जाम के एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है। जैसे ही एग्जाम कंक्लूड होगा, कंप्लीटली प्रोसेस ज्वाइनिंग तक, तब तक ये आपका टेलीग्राम ग्रुप वर्क करेगा। तो अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक, जो नेटर सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस में आपके काम आएगा। जनरल प्रोविडेंट फंड की बात करने वाले हैं, जीपीएफ रूल्स की। तो देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जीपीएफ रूल्स इज एप्लीकेबल टू दोज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु हैव बीन अपॉइंटेड ऑन और बिफोर। आपने बताना है कि जीपीएफ के रूल्स हैं, वो एप्लीकेबल हैं उन सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज पे जिनकी अपॉइंटमेंट इस तारीख को या इस तारीख से पहले हुई है। आपने बताना है, जैसे ये है आपका क्या, 31 दिसंबर 2004, 31 दिसंबर 2003, 1 जनवरी 2003, 1 जनवरी 2004। तो ये आपको पता है ना, शायद बेसिकली थोड़ा सा आइडिया होगा कि 2004 के बाद जीपीएफ नहीं है, एनपीएस चलता है फिर। ठीक है, ये तो आपको याद है। तो अगर इससे पहले एग्जैक्ट डेट हम अगर पता लगाएं, तो क्या होगी? सोचो आप, उससे पहले आपकी डेट हो सकती है 31/12/2003। तो हुआ ना आपका आंसर ये 31/12/2003। तो इसका आंसर होगा आपका बी। ठीक है, 31/12/2003 को या इसके बाद के जो एम्प्लॉइज हैं, सॉरी बाद नहीं, पहले 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले जिन्होंने सेंटर गवर्नमेंट को ज्वाइन किया है, अपॉइंट हुए हैं, उन पर जीपीएफ के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका आपका। सेकंड देखते हैं, हु आर एलिजिबल टू सब्सक्राइब जीपीएफ। सब्सक्राइब का मतलब होता है कि कौन उसके दायरे में आते हैं जीपीएफ के, कौन एनपीएस के। लेकिन बात हम केवल जीपीएफ की कर रहे हैं, तो परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट पहला ऑप्शन है आपका, परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट। सेकंड है आपका री एम्प्लॉयड पेंशनर। थर्ड है आपका टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस। तो देखो, अगर फर्स्ट टाइम जीपीएफ के बारे में पढ़ रहे हो, तो शायद आपको लगेगा कि परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट होगा। लेकिन बच्चों, इसमें री एम्प्लॉयड पेंशनर भी आता है, इसमें आपका टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस भी आता है। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा, वो होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब एक चीज और आप नोट कर लेना। आप जो नोट करने वाली चीज है, वो आपके लिए ये रहेगी कि टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट एप्लीकेबल तो है, लेकिन 1 ईयर कंटिन्यूस सर्विस के बाद में है। लेकिन टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट में ज्वाइन या सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब ही लिखेंगे इसमें, सब्सक्रिप्शन है इस तरह से, ठीक है, मे सब्सक्राइब टू जीपीएफ इवन बिफोर द
पीरियड ऑफ 1 ईयर सर्विस कंप्लीशन। अब हमने जो आपको थर्ड ऑप्शन बताया इसको याद रखना है आपने, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए ये चीजें। थर्ड ऑप्शन बताया सी, टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, कि भाई इनको तो मिलेगा ही, ये तो एलिजिबल है ही, तो वो भी एलिजिबल हो सकते हैं, वो सब्सक्राइब कर सकते हैं जिनको 1 ईयर सर्विस भी पूरी नहीं हुई है और वो टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो ये एलिजिबिलिटी की बात करेंगे ना, एलिजिबिलिटी टू सब्सक्राइब जीपीएफ, ये बच्चों आपका आ जाता है रूल नंबर 4 में जीपीएफ के, ठीक है, ये आपका रूल नंबर 4 है जीपीएफ के अंदर। तो दो क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर जनरल प्रोविडेंट फंड, मिनिमम कितने परसेंट आप दे पाओगे फंड में, मिनिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम की भी बात करेंगे, लेकिन मिनिमम कितना होता है बच्चों? तो मिनिमम क्या 5% होता है उसके टोटल सैलरी का, 6% होता है, 10% होता है, या 12% होता है? अब देखो आपने करना क्या है, वीडियो आपके सामने है, ओनली फॉर मेंबर्स है ये वीडियो, तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप कमेंट भी कर सकते हो, या कमेंट नहीं करते हो तो आप सोच के रखोगे कि इसका क्या आंसर हो सकता है। तो ये क्वेश्चंस ना मॉक की तरह भी काम करेंगे आपके, थ्योरी तो मजबूत होगी आपकी, साथ के साथ मॉक की तरह काम करेंगे, तो आंसर होगा बच्चों यहाँ पे 6%। कितना होता है आपका? 6% ऑफ टोटल इमोल्यूमेंट्स, ठीक है, 6% ऑफ टोटल इमोल्यूमेंट्स आपका जनरल प्रोविडेंट फंड के लिए रिक्वायर्ड होता है मिनिमम अमाउंट। ये आ गया आपको समझ में? अच्छा चलो एक चीज और बताते हैं इस क्वेश्चन में, सिक्स तो हो गया, अब मैक्सिमम भी बताएं क्या? ये नोट कर लो, हो सकता है हमने क्वेश्चन बनाया होगा, लेकिन नहीं बनाया है तो आप देख लोगे यहां पे मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम अमाउंट हो सकता है जो वो होगा बच्चों आपका टोटल इमोल्यूमेंट्स, टोटल इमोल्यूमेंट्स। वैसे ऐसा होता नहीं एक तरह से, लेकिन इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, नॉट ग्रेटर देन, ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं हम नॉट ग्रेटर, नॉट ग्रेटर देन टोटल इमोल्यूमेंट्स। भाई उससे ज्यादा, अब सैलरी जितनी है आपकी उससे ज्यादा थोड़ी आप कटा पाओगे जीपीएफ में, नहीं कटा सकते ना, तो मैक्सिमम है ये टोटल इमोल्यूमेंट्स के, इतना सा आपने याद रखना है बस। क्वेश्चन थर्ड के बाद आपका फोर्थ आ जाता है व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन इमोल्यूमेंट्स। अब ये इमोल्यूमेंट्स की बात करिए ना, तो आपको पता होना चाहिए कि इमोल्यूमेंट्स में आता क्या है और क्या नहीं आता है, ठीक है। लीव सैलरी है पहला ऑप्शन, रिम्यूनरेशन रिसीव्ड इन फॉरेन सर्विस, डियरनेस अलाउंस, या नन ऑफ द अबव। तो क्या आएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका डियरनेस अलाउंस, यानी डीए जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता आपका इमोल्यूमेंट्स में, ठीक है, किसमें नहीं आता डीए आपका? इमोल्यूमेंट्स में, यहां पे कट लगा दिया हमने, नहीं आता। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? आता क्या क्या है ये शायद आपको पता होना चाहिए कि फिर आता क्या क्या है। हाँ चलो आने का भी बताएंगे, वो पता लग जाएगा इसी क्वेश्चन से आपको इमोल्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है। तो देखो इमोल्यूमेंट्स का मतलब पे भी होता है, लीव सैलरी भी होता है, रिम्यूनरेशन रिसीव्ड इन फॉरेन सर्विस भी होता है, ऑल ऑफ द अबव भी होता है, तो इसका मतलब आ जाएगा सारे के सारे चीज होती है, यानी इमोल्यूमेंट्स का मतलब होगा बच्चों पे प्लस आपका लीव सैलरी, ठीक है। क्लास आपने विदाउट, आप ये तो है नहीं कि आपने क्वेश्चन देखा आपको आंसर पता लग गया, चलो भाई आगे पॉज करते हैं, स्पीड में रखते हैं, स्पीड में रखो, आप वीडियो देख सकते हो, लेकिन वो रिवीजन के टाइम पे देखो आप, फर्स्ट में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है आपको समझाया जाए, ठीक है। तो ये हो गया पे के साथ में लीव सैलरी, फिर होंगे आपके जो भी कोई रिम्यूनरेशंस हैं किसमें, जो आपको फॉरेन सर्विस में मिलते हैं, ठीक है, ये सारे जुड़ जाते हैं। और क्या जुड़ता नहीं है, थोड़ी देर पहले बताया था क्वेश्चन में, जुड़ता नहीं है वो आपका डीए है,
जो हमने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया है, ठीक है। तो इंक्लूड नहीं होता है मॉन्यूमेंट्स में डीए, ये याद रखना है। इंक्लूड क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन सिक्स की बात करेंगे, सब्सक्रिप्शन ऑफ जीपीएफ मे बी इंक्रीज्ड। अच्छा, सब्सक्रिप्शन है, सोचो आपने एवरी मंथ 8,000 की सब्सक्रिप्शन ली हुई है जो आपका जीपीएफ में, ठीक है। ये लेट अस कर लेते हैं इसको, ये तो क्या इसको इंक्रीज कर सकते हैं हम? तो ऑब्वियसली यस है इसका आंसर, कर सकते हैं। लेकिन कितनी बार कर सकते हैं? साल में एक बार, साल में दो बार, 6 महीने में एक बार, या 6 महीने में दो बार? तो बच्चों ये आपका नहीं होगा, साल में एक बार भी नहीं होगा, ये होगा आपका साल में दो बार, ठीक है। तो यस के बाद यहां पे लिख सकते हैं हम कि ट्वाइस इन अ ईयर, ट्वाइस इन अ ईयर, साल में एक दो बार हम क्या कर सकते हैं, अपना जीपीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन को बढ़ा सकते हैं। क्लियर होगी ये बात? अब बढ़ाने के बाद क्वेश्चन आता है क्या घटा भी सकते हैं? घटा भी सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है। तो कितना क्या क्या रिड्यूस कर सकते हैं? तो हम लिखेंगे यस। कब रिड्यूस कर सकते हैं? अब ये आपको याद रखना है, ये ट्वाइस नहीं होगा, ये वंस होगा। लेकिन वंस इन अ मंथ या वंस इन अ, वंस एट एनी टाइम? तो वंस एट एनी टाइम, एक बार आप, ठीक है, साल के अंदर वंस एट एनी टाइम इन अ ईयर यहां पे लिख लो, ठीक है। साल में एक बार आप क्या कर सकते हो? साल में एक बार आप इसको रिड्यूस भी करा सकते हो। जो आपका एग्जाम्पल 8,000 का था ना, उसको आप सोचो तो 7,000 भी करा सकते हो, लेकिन वो साल में एक बार, इंक्रीज कराना है तो दो बार इंक्रीज करा सकते हो, ठीक है। होपफुली थ्योरिटिकल पोर्शन भी आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन के साथ साथ, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और है, कि जो एरियर्स मिलते हैं या बोनस कोई होता है, बोनस, तो क्या उसको जो आपका मैक्सिमम, एक यहां पे क्वेश्चन आपको समझा देते हैं, मैक्सिमम अमाउंट है जो जीपीएफ में, मैक्सिमम अमाउंट आपको पता है टोटल इमोल्यूमेंट्स से ज्यादा नहीं हो सकता, तो टोटल इमोल्यूमेंट्स के साथ में आप बोनस वगैरह जो भी कोई मिलता है उसको भी जमा करा सकते हो। तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा ना, आपको लगेगा ज्यादा नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर बोनस है, ठीक है, अगर बोनस है तो उसको हम क्या करा सकते हैं, उसको हम ऐड करा सकते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है बच्चों, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, सब्सक्रिप्शन टू द जनरल प्रोविडेंट फंड विल बी स्टॉप ड्यूरिंग। आप जो जीपीएफ में पैसे जो आपके कंट्री होते हैं वो बंद हो जाएंगे कब? सस्पेंशन के टाइम पे, ठीक है, या लीव विदाउट पे के टाइम पे, डाइज नोन के टाइम पे। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ने कोई ऐसा ऑप्शन दिया है कि भाई लीव विदाउट पे जा रहा हूं मैं या डाइज नोन हो रहा है, तो आप मेरे जो जीपीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन है, सब्सक्रिप्शन है, उसको स्टॉप कर दो, या दोनों केस में। तो आपको क्या लगता है इसका मतलब होगा बच्चों? दोनों केस में। वैसे कोई बच्चा सोचेगा तो शायद सोचेगा ओनली सस्पेंशन में, लेकिन लीव विदाउट पे जा रहे हो, डाइज नोन अगर जा रहे हो, तो आप बता सकते हो कि भाई मेरा जो कंट्रीब्यूशन है उसको आप स्टॉप कर दो, ठीक है। तो जो सब्सक्रिप्शन टू द फंड शैल बी स्टॉप्ड ड्यूरिंग सस्पेंशन, या फिर उस टाइम पे जब आप लीव विदाउट पे जाते हो या डाइज नोन होता है, ठीक है, या हाफ पे भी हो जाता है अगर आप चाहो तो। इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हो, लीव, इसमें एक चीज आपने ऐड करनी है, लीव विदाउट पे तो हो गया, इसमें एक चीज और आएगी, वो आएगी आपकी लीव डाइज नोन हो गया, लीव विदाउट पे हो गया, लीव ऑन हाफ पे भी होता है, ठीक है, हाफ पे पे भी लीव है आपका, तो भी आप इसको स्टॉप करा सकते हो। तो ये बात आपने याद रखनी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 9, व्हाट वाज द इंटरेस्ट रेट ऑन जीपीएफ फ्रॉम 1/1/2023 से लेके 30 सितंबर 2023 तक, ठीक है। पुराना क्वेश्चन है लेकिन काम आएगा आपका, लेटेस्ट रेट है वो भी आपको बताएंगे, अगर किसी बच्चे को पता है तो वो कमेंट करके बताएं, ठीक है। 6.9 थी,
7 पॉइंट थी, 8% थी, 7.1% थी। तो 7.1% है जो आपका इंटरेस्ट रेट रहा है, ठीक है, ये आपने याद रखा। इजी इजी क्वेश्चंस है, थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर हो जाएगा आपका क्वेश्चन से ही, पेपर में काम आएंगे। अगर क्वेश्चन आपको जीपीएफ के देखने को मिलेंगे तो इनमें से ही मिलेंगे। जीपीएफ सब्सक्राइबर हैव नो फैमिली मेंबर कैन नॉमिनेट। अगर किसी जीपीएफ के मेंबर का कोई फैमिली मेंबर नहीं है तो वो किसको नॉमिनेट कर सकता है? क्या किसी भी आदमी को कर सकता है, किसी कंपनी एसोसिएशन या चैरिटेबल या नॉन चैरिटेबल ट्रस्ट को कर सकता है, या दोनों को कर सकता है, या किसी को नहीं कर सकता? तो देख, ऐसा तो है नहीं किसी को नहीं कर सकता। वो किसी पर्सन को भी कर सकता है, किसी कंपनी को भी कर सकता है, किसी एसोसिएशन को भी कर सकता है, किसी ट्रस्ट को भी कर सकता है। तो आंसर होगा आपका बोथ। बोथ कौन कौन से? ए एंड बी, ठीक है। सिंपल सी बात है, नॉमिनेट करने की बात है। अगर उसने नॉमिनेट नहीं किया है, फैमिली मेंबर है ही नहीं उसका, तो किसी आदमी को, कंपनी को, एसोसिएशन को, ट्रस्ट को वो नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। एसोसिएशन के बाद बॉडी, अब बॉडी क्या है, चैरिटेबल भी हो सकती है वो, ट्रस्ट नहीं भी हो सकती है, ये आपने सिंपल याद रखना है। चलो क्वेश्चन 11 की बात करेंगे। एडवांस फ्रॉम द जीपीएफ कैन बी विदड्रॉल फॉर द पर्पज ऑफ। अच्छा, जो एडवांस निकालते हैं ना हम अपने जनरल प्रोविडेंट फंड से, वो किस केस में निकाल सकते हैं? खुद की बीमारी में, या फैमिली मेंबर्स की, या डिपेंडेंट्स की बीमारी में निकाल सकते हैं। ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस होंगे आपके खर्चे, तो उसमें निकाल सकते हो। लीगल कोई कार्यवाही चल रही है, उसका खर्चा उठाना है, उसमें भी आप निकाल सकते हो, या नहीं निकाल सकते। और लास्ट का आंसर है आपका सारे के सारे। तो बच्चों, इसका आंसर होगा सारे के सारे, यानी कि आप इलनेस में भी निकाल सकते हो, ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस में भी निकाल सकते हो, और कॉस्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स में भी निकाल सकते हो। अब समझ में थोड़ा सा आएगा आपका कि सर ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, ठीक है। चलो ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस बच्चों ऐसे होते हैं, मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। जैसे कि कोई सेरेमनी होगी, कोई फंक्शन, जैसे मैरिज वगैरह बोलते हैं ना हम लोग, उसके टाइम पे भी हम विड्रॉ कर सकते हैं, या आपका फ्यूनरल के टाइम पे विड्रॉ कर सकते हैं, या कोई फंक्शन वगैरह है उस तरह से, हमने आपको सेरेमनीज बता दी। तो ये कुछ केसेस हैं आपके ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस के, जो रोज खर्चे नहीं होते उन चीजों पे, तो आप उनसे विड्रॉ करा सकते हो। क्वेश्चन 12 देखेंगे। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एडवांस इज परमिसिबल फ्रॉम गवर्नमेंट, सॉरी जनरल प्रोविडेंट फंड। कितना निकाल सकते हो आप, जो आप विड्रॉ करोगे उसमें से वो कितना कर सकते हो? 12 महीने की पे के बराबर निकाल सकते हो, 3/4 ऑफ द अमाउंट क्रेडिट निकाल सकते हो, या जो कम होगा इनमें से वो निकाल सकते हो, या कुछ नहीं निकाल सकते? तो देखो बच्चों क्या है, ये तो आपका होने से रहा, आंसर होगा जो कम है। किसमें से कम है? या तो 12 महीने की सैलरी, और या जितना आपने क्रेडिट किया है उसका 3/4। 3/4 समझ में आ रहा है ना, यानी कि 75% से कम। एक तो 75% और एक 12 महीने की सैलरी, जो आपका इनमें से कम होगा वो आप क्या कर सकते हो? विड्रॉ कर सकते हो, उतना पैसा आप निकाल पाओगे, ये याद रखना आपने, ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर करोगे बच्चों, लाइक करना। नेक्स्ट क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी ओनली फॉर प्लस मेंबर्स। अगर अभी तक प्लस मेंबर आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो हमारे प्लस मेंबर ऑफ निटर एसओ, कोई भी आप हमारी वीडियो देखोगे उसमें ज्वाइन का बटन अवेलेबल होगा, ज्वाइन बटन पे आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा प्लस मेंबर ऑफ निटर एसओ, इस पे क्लिक करके आप पेमेंट इंटरफेस पे चले जाओगे, और आप मंथली जो सब्सक्रिप्शन है 119 आप ले सकते हो, जब तक ये एग्जाम आपका कंप्लीट होता है। अमाउंट ऑफ एडवांस इज रिकवरेबल इन अ मैक्सिमम ऑफ 10 इंस्टॉलमेंट। अब पैसे जो आपने निकाल लिए वो आपसे रिकवरी होगी, लेकिन वो कितने इंस्टॉलमेंट में रिकवरी होगी? सोचो, 12 इंस्टॉलमेंट में, 24 इंस्टॉलमेंट में, 36 में, या 60 में? तो बच्चों ना 12 होता है, ना 24 होता है, ना 36 होता है, 60 इंस्टॉलमेंट्स मिल जाएंगे आपको। कोई भी पैसा निकालो, 16 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर आपको रिकवर कर लिया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 60 इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है जी, ये आता है आपका रिकवरी के अंदर, ओके। ये आपने याद रखना है, जो ये आपकी रिकवरी है इसके अंदर ये चीज आपकी आती है कि भाई 60 इंस्टॉलमेंट्स में जो है उसको
रिकवर करना है। ओके चलो क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। सैंक्शन एंड पेमेंट ऑफ एडवांस फ्रॉम जीपीएफ टाइम लिमिट इज मैक्सिमम। देखो जीपीएफ निकाल रहे हो तो उसकी सैंक्शन और उसकी पेमेंट आपको कितने दिन के अंदर हो जाती है? आपने फॉर्म अप्लाई किया 7 दिन में, 15 दिन में, 30 दिन में, 45 दिन में, ठीक है? तो ये ज्यादा है, ये भी बहुत ज्यादा है लग रहा होगा, ये बहुत कम है, तो 15 दिन का टाइम मिलता है। तो आंसर हो जाएगा बी। कितना आ जाएगा बच्चों? 15 डेज होगा। तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको क्या होता है, विद इन 15 डेज आपको ये मिल जाता है, ठीक है? तो 14 क्वेश्चंस हैं, 14 क्वेश्चंस कराए। अब बारी आ जाती है कुछ और, किस चीज की आ जाती है? अच्छा चलो एक क्वेश्चन, ये तो देखो रिपीट है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन 14 ही है, एक्स्ट्रा नहीं है। 15 डेज इसका आंसर था, अभी आपको समझाया। एक चीज और पढ़ के रखनी है आपने, इन केस ऑफ इमरजेंसीज लाइक इलनेस एक्सेट्रा द टाइम लिमिट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 7 डेज। अभी बोला था ना आपको कि 7 डेज नहीं हो सकता, हो सकता है 7 डेज, लेकिन केस क्या है? केस यही है कि कोई ऐसी इलनेस है या कोई जैसे फ्यूनरल्स वगैरह उन चीजों का बताया हमने, तो आपको 7 दिन के अंदर अंदर जीपीएफ से पैसा मिल जाता है, ठीक है? तो ये एक्स्ट्रा केस है, याद रखना आपने, इसीलिए ये क्वेश्चन हमने बनाया। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और हमारे चैनल के साथ साथ में टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, बिकॉज इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। सेक्शन ऑफिसर का जैसे ही एग्जाम आपका आएगा उसके बारे में आपको इंटीमेट जरूर करा जाएगा टाइम से पहले। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।